आपके सामने बिहार बोर्ड 2019 के लिए बीबीआई गेस प्रश्न दिया जा रहा है। इससे 100% गारंटी है कि 36 से 40 मार्क्स के आसपास आ जाएगा। हम बारी बारी से सारे सवाल को आपके सामने पढ़ के बताने जा रहे हैं और शेष सवाल को लिखने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर एक, निम्न को परिभाषित करें, मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, पीपीएम और सांद्रता। सवाल नंबर दो, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध सिद्ध करें। सवाल नंबर तीन, मोलरता तथा मोलरता में संबंध सिद्ध करें। सवाल नंबर फोर, अनुसंख्य गुणधर्म के चारों प्रकार को सत्यापित करें। पहला, विलायक के वास्तुदाब का अवनमन। दूसरा, विलायक के क्वथना हिमांक में अवनमन। तीसरा, प्रासरण दाब और चौथा, विलायक के क्वथनांक में उन्नयन। सवाल नंबर फाइव, आदर्श तथा अनादर्श विलयन में परिभाषा तथा अंतर बताएं। सवाल नंबर सिक्स, राउट के नियम को तथा धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को समझाएं और उदाहरण भी दें। सवाल नंबर सेवन, अस्थिर क्वथनांकी में निम्न तथा उच्च दोनों को परिभाषित करें तथा उदाहरण भी दें। सवाल नंबर एट, हेनरी के नियम का सत्यापन करें। सवाल नंबर नाइन, क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय के साथ एन टाइप तथा बी टाइप प्रतिजालक में भी अंतर तथा व्याख्या करें। सवाल नंबर टेन, क्रिस्टलों के चारों प्रकारों की व्याख्या करें। सवाल नंबर इलेवन, SCC, BCC, FCC की विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। सवाल नंबर 12, ABC, तथा क्रिस्टल के घनत्व की व्याख्या विस्तार पूर्वक करें। सवाल नंबर 13, स्टाइकोमेट्रिक दोष के प्रकार से शॉटकी तथा फ्रेंकल की विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। सवाल नंबर 14, नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष के प्रकार जैसे एफ केंद्र तथा चुंबकीय गुणों की व्याख्या करें, जो 6 प्रकार के चुंबकीय गुण था। सवाल नंबर 15, निम्न को परिभाषित करें। पहला, कोटि, दूसरा, दर नियम, तीसरा, वेग नियम, चौथा, दहली ऊर्जा और पांचवा, सक्रियण ऊर्जा। सवाल नंबर 16, जीरो ऑर्डर में के का मान सत्यापित करें। सवाल नंबर 17, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर तथा जीरो ऑर्डर का टी हाफ के मान को सत्यापन करें। सवाल नंबर 18, कोटि का ग्राफ तथा मात्रक जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर में दर्शाइए। सवाल नंबर 19, अर्हेनियस समीकरण को लिखे तथा लॉग के रूप में सत्यापन को भी सत्यापित करें। सवाल नंबर 20, लिगेंडों के प्रकार का उदाहरण सहित व्याख्या करें। सवाल नंबर 21, वर्नर के सिद्धांत की व्याख्या करें। सवाल नंबर 22, EAM इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की गणना तथा उपसा संयोजक यौगिकों में 5IBC नामकरण को NCERT बुक से पढ़कर लिखें। सवाल नंबर 23, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत CFT सिद्धांत तथा चुंबकीय घूर्ण के विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। सवाल नंबर 24, उपसा संयोजन के समग्रता के सभी प्रकारों की उदाहरण सहित व्याख्या करें। सवाल नंबर 25, फैराडे के प्रथम तथा द्वितीय नियम की व्याख्या करें। सवाल नंबर 26, ननष्ट समीकरण की विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। सवाल नंबर 27, निम्न सेल की व्याख्या करें, जैसे ईंधन सेल, प्राथमिक सेल, संचायक बैटरी, गैल्वनो सेल, डैनियल सेल, विद्युत संचायक सेल। निम्न को, सवाल नंबर 28, निम्न को परिभाषित करें, इलेक्ट्रोड विभव, EV, गिब्स ऊर्जा, वैद्युत अपघटनी, आयनिक विलयनों का चालन इत्यादि। सवाल नंबर 29, निम्न को परिभाषित करें। निम्न को परिभाषित करें, पहला, मोलर संचालकता, दूसरा, प्रवल विद्युत
सवाल नंबर 30, कोल्डोस के नियम तथा उसका उपयोग बताना। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न को परिभाषित करें। पहला अधिशोषण, दूसरा अधिशोष, तीसरा अधिशोषक, चौथा विसंधान, पांचवा विशोषण, छठा अवशोषण, सातवा स्वर संख्या, आठवां कोलाइड, नौवां द्रव स्नेही तथा द्रव विरागी कोलाइड, द्रव स्नेही द्रव विरागी कोलाइड, और दसवां थ्रेशोल्ड ऊर्जा, थ्रेशोल्ड ऊर्जा। सवाल नंबर 32, अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर और रासायनिक अधिशोषण तथा भौतिक अधिशोषण में अंतर बताएं। क्वेश्चन नंबर 33, अधिशोषण के प्रकार तथा फ्रेंडली के समीकरण की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 34, अधिशोषण के अनुप्रयोग तथा उत्प्रेरण की व्याख्या करें। सवाल नंबर 35, जियोलाइट की व्याख्या तथा समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करें। सवाल नंबर 36, मिसाइल की क्रियाविधि तथा कोलाइड बनाने की क्रियाविधि ब्रेडिंग आर्क प्रोसेस से व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न को परिभाषित करें। पहला पेक्टन, दूसरा अपोहन, तीसरा वैद्युत अपोहन, चौथा अति सूक्ष्म निस्यंदन, पांचवा टिंडल प्रभाव, छठा ब्राउनी गति, सातवां जीटा विभव, आठवां स्कंदन, नौवां धनात्मक ऋणात्मक सौर, दसवां कोलाइडिक असंरक्षण, ग्यारहवां बायोसिमुलेशन, बारहवां वैद्युत का संचलन, तेरह आकाश का नीला रंग होना, चौदह डेल्टा का बनना। क्वेश्चन नंबर 38, लोहा का निष्कर्षण और उस लोहे का व्यस्को को भी नाम सहित लिखें। क्वेश्चन नंबर 39, कॉपर का निष्कर्षण और उसके व्यस्को के नाम सहित इन दोनों का सचित्र वर्णन भी करें। क्वेश्चन नंबर 40, जेलन जिंक एल्युमिनियम का निष्कर्षण और उनके दो दो व्यस्को के साथ सचित्र वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न को परिभाषित करें। फर्स्ट द्रव्य धावन, सेकेंड चुंबकीय पृथक्करण, थर्ड फेन कर्बन, फोर निछालन, फाइव निस्तापन, सिक्स भर्जन, एट सुषिर्वन आसवन, एट द्रवगलन परिष्करण, नाइन वैद्युत अपघट निशोधन, एंड टेन मंडल परिष्करण। क्वेश्चन नंबर 42, अमोनिया के निर्माण की हेबर प्रकरण की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न को परिभाषित करें उदाहरण के साथ। फर्स्ट श्वेत फास्फोरस, सेकेंड लाल फास्फोरस, थर्ड काला फास्फोरस, और फॉस्फीन, सिक्स ओजोन के निर्माण की समीकरण सहित
व्याख्या तथा उपयोग भी बताओ, उदाहरण भी दें। क्वेश्चन नंबर 44, स्टेज 4 तथा H3 के 50% के निर्माण की समीकरण विधि के लिए था, इसका उपयोग बताएं और इसका उदाहरण और व्याख्या भी करें। क्वेश्चन नंबर 45, डाई नाइट्रोजन फॉस्फीन कॉमा फॉस्फोरस कॉमा ट्राइहैलाइड और डाई ऑक्सीजन, इन सभी के निर्माण के विधि समीकरण उदाहरण तथा उपयोग को बताएं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न को परिभाषित करें। पहला संक्रमण तत्व, दूसरा अंडा संक्रमण तत्व, तीसरा अन्य एंथैल्पी, चौथा रंगीन आयनों का बनना, पांचवा प्रकाशीय अभिक, छठा कोलवे अभिक्रिया, सातवा गिरनार अभिक्रिया, आठवां रैमर टिमन अभिक्रिया, नौवां विलियमसन संश्लेषण और दसवां फेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 47, KNO4 तथा K2CO2 के बनाने की विधि समीकरण तथा उपयोग को भी लिखें। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न का उदाहरण सहित परिभाषित करें। पहला कायरल कार्बन रेशमी मिश्रण, तीसरा विलोपन अभिक्रिया, चौथा नाभिक रागी, पांचवा ऊर्ज अभिक्रिया ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, छठा फॉस्जीन, सातवां कार्बन टेट्राक्लोराइड, आठवां फ्रियॉन और नौवां DDT। क्वेश्चन नंबर 49, एल्कोहल फिनॉल ईथर के बनाने की विधि तथा सभी गुण के साथ उपयोग को भी लिखें। 50 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने की विधि और सभी गुणों के साथ उपयोग भी लिखें। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न को परिभाषित करें समीकरण के साथ। पहला रोजरमुंड अभिक्रिया, दूसरा स्टीफन अभिक्रिया, तीसरा इटार्ड अभिक्रिया, चौथा गाटरमन गोच अभिक्रिया, पांचवा टॉलेन परीक्षण, छठा फेलिंग परीक्षण, सातवा एल्डोल संघनन अभिक्रिया, आठवा कैनिजारो अभिक्रिया, नौवा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दसवा स्थिरीकरण अभिक्रिया और ग्यारहवा होल हेल फोलार्ड जेरेस्की अभिक्रिया। वन डिग्री, टू डिग्री एंड थ्री डिग्री या एमीन के निर्माण की विधि तथा सभी गुणों के साथ उसका उपयोग भी समीकरण के साथ लिखें। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न को परिभाषित करें उदाहरण के साथ। पहला कार्बिल एमीन अभिक्रिया, दूसरा नाइट्रस अम्ल अभिक्रिया, तीसरा हिंसबर्ग अभिक्रिया, चौथा सल्फोनेशन अभिक्रिया, पांचवा सेंडमेयर अभिक्रिया, छठा कार्बोहाइड्राइट अभिक्रिया, सातवा मोनोसैकेराइड, आठवा डाइसैकेराइड, नौवा ओलिगोसैकेराइड, दसवा ग्लूकोज के चक्रीय और सिंपल सारा संरचना, ग्यारह फ्रुक्टोज, बारह प्रोटीन की भरपूर व्याख्या, तेरह एमीन अम्ल और पंद्रह चौदह विटामिन, पंद्रह न्यूक्लिक अम्ल DNA तथा RNA की अंतर और इसकी व्याख्या, 16 हार्मोन की विस्तार पूर्वक व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न को परिभाषित करें उदाहरण के साथ और व्याख्या भी करें। पहला प्राकृतिक बहुलक, दूसरा अर्ध संश्लेषित बहुलक, तीसरा संश्लेषित बहुलक, चौथा योगात्मक बहुलक, पांचवा सम बहुलक, छठा सह बहुलक, सातवा पॉलीथीन, आठवा टेफ्लॉन, नौवा पॉलीएमाइड, दसवा नायलॉन 66, ग्यारहवा पॉलिएस्टर, बारहवा बेकेलाइट, तेरहवा प्राकृतिक रबर, चौदह मेलेमीन, पंद्रह रबर का वल्कनीकरण, 16 संश्लेषित रबर, 17 नियोप्रीन, 18 बुनायन, 19 बुना रस, 20 प्रति अम्ल, 21 प्रति हिस्टामिन, 22 कृत्रिम मधुरक, 23 साबुन, 24 अपमार्जक।
क्या होता है जब किसी समीकरण में भी क्रिया कराया जाता है किसी अन्य पदार्थ के साथ, जैसे पहला एसिटाल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, दूसरा एथाइल ब्रोमाइड को केसियन के साथ गर्म किया जाता है, तीसरा एथाइल अल्कोहल को ऑक्सीकृत किया जाता है, चौथा एथाइल को ठंडे क्षारीय किम्नोफोर घोल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, पांचवा सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, छठा कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है, सातवा एसीटोन क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से अभिक्रिया करता है, आठवा एसिटिलीन को एल्काइलीन पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन से गुजारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 का सीएस क्या होता है जब 11th नाइट्रोबेंजीन एसएनएचसीएल से विक्रिया करता है तो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रोपेन को सांद्र गंधक अम्ल से प्रवाहित कर उत्पाद क्या बनता है, उत्पाद को जल के साथ अभिक्रिया कर उबालने पर क्या बनता है, मेथॉक्सीएथेन व मेचाई को गर्म करते हैं तो क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 टॉलविन को क्रोमाइल क्लोराइड एवं CH2 के साथ गर्म कर उत्पाद के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 इथेनॉल को फेनॉल फेंटॉन प्रतिकारक के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्रोटोनल्डिहाइड को LiAlH4 शुष्क ईथर में प्रतिक्रिया कराते हैं, वो उत्पाद को अम्लीय जल के साथ पुनः प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। 15 क्या होता है जब मेथेनॉल का ऑक्सीकरण अम्लीय किम्नोफोर घोल के द्वारा किया जाता है। 16 एथेनॉल के भी क्रिया PCl5 के साथ कराई जाती है। 17 ZnSO4 के घोल में अमोनिया गैस अधिकता में प्रवाहित की जाती है। 18 अम्लीय किम्नोफोर घोल में SO2 गैस प्रवाहित किया जाता है। 19 क्लोरीन गैस NH से विक्रिया करता है। नेक्स्ट 20 नाइट्रिक अम्ल ZN तथा Cu से विभिन्न सांद्रता पर प्रतिक्रिया करता है। 21 कैल्शियम फॉर्मेट को तेज गर्म करते हैं। 22 मेथेनॉल अमोनिया से अभिक्रिया करता है। 56 थर्मोप्लास्टिक बहुलक तथा थर्मो सेटिंग बहुलक में अंतर बताएं। 57 क्वेश्चन नंबर 57 प्रयोगशाला में एनिलीन तथा इथाइल एमीन के निर्माण की व्याख्या करें, समीकरण सहित। क्वेश्चन नंबर 58 लेड कच्छ द्वारा गंधक अम्ल के बनाने की विधि की व्याख्या करें। सवाल नंबर 59
क्विनाइन आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री घास पात से समुद्री घास पात से आयोडीन के वर्णन की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 60 अनुचुंबकीय तथा प्रति चुंबकीय दोनों में विस्तार पूर्वक व्याख्या और अंतर व्यक्त करें। मैं संजीव कुमार स्पेशल केमिस्ट्री के लिए पिछले साल भी गेस सवाल 45 क्वेश्चन किए थे, उसमें से 39 मार्क्स श्योर मिल रहे थे। इस साल हमने 60 सवाल गेस किए हैं और इस बार फिर से उम्मीद है कि 40 प्लस मार्क्स मैच करेंगे, जबकि हम लोगों को 35 मार्क्स ही सब्जेक्टिव में बनाना होता है। अथवा वाले सवाल का मार्क्स भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो मिला जुला के फिर से 100% गारंटी है कि इस साल भी ये सवाल आना ही आना है। कारण हम जब खुद गेस किए हैं तो गेस करने के बाद पूछे सवाल से मैच करते हैं, तो कोई ऐसा साल का क्वेश्चन नहीं होता है कि जिससे 12 से 15 सवाल नहीं मिलता हो। पर सवाल 2 नंबर का ही ले लो तो 15 दिन 30, या 16 नंबर या 16 क्वेश्चन होगा तो 16 दिन 32, वो टोटल बनाना होता है 35। और 35 में से ये बहुत बच्चों के लिए काफ़ी है और कुछ सवाल तो हूबहू 5 नंबर के सेम टू सेम आ जाते हैं, तो इस बार भी 40 से 42 नंबर लाने की फुल गारंटी है। और हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक।